नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश पटेल है और मैं कृषि नेटवर्क कंपनी की तरफ से आप सभी दोस्तों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं जिनका नाम रमाकांत है और इनका गांव बल्लो जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। तो मैं थोड़ा दो मिनट इनसे खेती के विषय में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बताइए कि खेती आप कब से करते हैं? जब से अच्छी भाई तब बस करते हैं खेती हम उनकी मतलब खेती दूसरा कोई कारोबार ना है हम उनकी। तो इसमें आप इसमें दवा वगैरह जो है आप अपनी खेती में जैसे कि जैविक वगैरह रासायनिक? हम तो खाली गोबर छोड़ा था। अच्छा, केवल आप गोबर? हाँ, पड़ता है जैविक। ठीक है। और खेती आप कितनी ज़मीन पर करते हैं? हमारा 50-60 डिसमिल। अच्छा, 60 डिसमिल पे खेती करते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये आप कौन कौन सी फसलें जिसे आप उगाते हैं? हम खाली धान गेहूँ। धान और गेहूँ की? तो इसमें जैसे ये है कि अब इस टाइम तो खैर ये धान की फसलें हैं। हाँ। उसकी नर्सरी अभी तैयार हो रही है, तो उसमें ये धान वगैरह का जो बीज है ये आप लोग कहाँ से लेते हैं? जैसे कि अब जब मिलेगा सर आवा था शिकायत पूछे बोल लो कहीं से दुकान से। प्राइवेट दुकानों से आप लेते हैं? और गेहूँ मिल जाला सिसवा से पहुँच जाली से। अच्छा, और ये जो गेहूं और ये जो और जो धान है आपका जो फसल है तो उसको जैसे कि मतलब कहाँ आप तोलवाते हैं? जैसे कि सरकारी गोदाम में खाए भर के होला 50 डिसमिल में कहाँ तोला पाई? अच्छा, ठीक है अपने खाए भर के हो जाला। अच्छा, और इसमें ये बताइए आप कि क्या क्या काम ऐसा किया जाए इसमें जिससे किसानों का आय जो है वो दोगुना किया जा सके? क्या क्या चीज़ खाद पड़ना पड़ेगा? माला खाद ये डाई यूरिया यह कुल पड़ा था। अच्छा, दूसरा कौन खाद पड़ा था? अच्छा, जो पहुँच बता छोड़ा था। तो आप बताइए ये क्या ट्रैक्टर वगैरह आप लेना चाहेंगे? हाँ, 50 डिसमिल ट्रैक्टर का हो। अच्छा, और ये सिंचाई वगैरह के लिए पंपिंग सेट वगैरह है आपके पास? नहीं, बा बोर बा ट्यूब पंप से ज़्यादा चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जन जन की कहानी आप सभी तक पहुंचाने के लिए किसान नेटवर्क ऐप डाउनलोड करिए। धन्यवाद।